गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिमांड फंक्शन के बारे में स्टडी किया, लेकिन क्या हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ पाए थे? आंसर इज नो। हम लोगों ने प्राइस ऑफ कमोडिटी डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिस्कशन कर लिया, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो सर, क्या इनकम पर डिमांड डिपेंड करता है? क्या इनकम के बढ़ने से और इनकम के घटने से क्या डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है? क्या इनकम डिटरमिनेंट है? क्या इनकम डिमांड का फंक्शन है? तो आंसर इज हाँ। चलो, तो हम लोग अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, आ जाओ। तो स्क्रीन पर हम टॉपिक ले आए हैं, सुनिएगा मेरी बात को। बच्चों, इनकम के रेस्पेक्ट में हम लोग दो तरह के गुड्स को पढ़ने वाले हैं। कितने तरह के गुड्स को पढ़ने वाले हैं? दो तरह के गुड्स को। एक नॉर्मल होगा, दूसरा इंफीरियर होगा। आइए हम आपको समझाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक गुड्स नॉर्मल होगा, दूसरा इंफीरियर होगा। तो सर, जब भी हम लोग इनकम ऑफ कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, देखिएगा बच्चों, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप भी नोट डाउन कीजिएगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, इनकम के रेस्पेक्ट में हम लोग दो तरह के गुड्स को स्टडी करेंगे। कौन कौन गुड्स होगा भाई? एक होगा नॉर्मल, दूसरा इंफीरियर। इंफीरियर, तो सर ये नॉर्मल गुड्स किस तरह का गुड्स है? सर क्या ये सच में कोई गुड्स है क्या? नहीं बच्चों, रियलिटी में ये कोई गुड्स नहीं है। रियलिटी में तो ये एक कैरेक्टर है। क्या है बच्चों? रियलिटी में ये एक कैरेक्टर है, ये कहीं से भी कोई गुड्स नहीं है। चलिए, तो हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। क्या ये सर गुड्स है? तो आंसर इज नो। देखिए बच्चों, नॉर्मल गुड्स क्या है? जैसे जैसे बच्चों कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, अगर इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर अपने डिमांड को भी बढ़ाने लगे, डिमांड इंक्रीज करने लगे, तो वैसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। या यूं कह लो, जैसे जैसे इनकम घटने लगेगा और डिमांड भी उस प्रोडक्ट का घटने लगे, तो वो गुड्स नॉर्मल गुड्स है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल गुड्स है उसका रिलेशन डिमांड के साथ डायरेक्ट है? इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्ट है? हाँ बच्चों, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। इस बात को प्रैक्टिकली समझिए पहले। तो सर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं किसी भी नॉर्मल गुड्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में सर क्या होगा? मान लो बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस जीरो और एक्स एक्सिस हो गया, तो ये है डिमांड कर्व। तो प्राइस प्रोडक्ट का बच्चों अभी भी सेम है, लेकिन डिमांड बढ़ गया, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो आंसर क्यों? क्यों राइट शिफ्ट हो गया सर? कैसे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया? तो इसका ये जवाब है कि इसलिए राइट शिफ्ट हो गया क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। ओके, चलो अब इंफीरियर गुड्स के बारे में थोड़ा सा समझो आप। इंफीरियर गुड्स हम लोग किसको कहते हैं? ओके,
देखिए इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है बच्चों, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो इनकम के बढ़ने के कारण जिस प्रोडक्ट का डिमांड घटने लगे उस गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। फॉर एग्जांपल ले लो बच्चों, आपका इनकम बढ़ने लगा, आप कोई और प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे, आप जो कपड़ा पहले पहनते थे, जिस क्वालिटी का पहनते थे, जिस कंपनी का पहनते थे, आपने उसको छोड़ दिया, अब आप दूसरा ड्रेस पहन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो ये पर्सन है, इनका नाम है मान लो मिस्टर एक्स, ये पहले 40 रुपीज पर केजी राइस कंज्यूम करते थे, जैसे इनका इनकम बढ़ गया अब ये 80 रुपीज पर केजी का राइस कंज्यूम करते हैं। तो सोचो जो पुराना गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स हो गया, क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से इन्होंने डिमांड को क्या किया, घटा दिया। जैसे बच्चों राजस्थान वगैरह में बाजरा का कॉन्सेप्ट है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बच्चों, क्योंकि वहां गेहूं थोड़ा महंगा पड़ता है और बाजरा सस्ता पड़ता है, तो वो बाजरे के आटे का रोटी कंज्यूम करते हैं। तो जैसे जैसे इनकम जिनका बढ़ता चला जाता है वो बाजरे का कंजम्पशन घटाते चले जाते हैं। अब देखो बच्चों, तो सर अगर इनकम हमारा घट गया तो इनकम के डिक्रीज होने से इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप ऑब्जर्व करो बच्चों कि नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन है इनकम के साथ, और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन है। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? चलो आओ, अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा सर, क्या इनकम से डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। देखिए कैसे, तो हम लोग दो गुड्स को पढ़ेंगे, एक होगा हमारा नॉर्मल गुड्स और दूसरा होगा हमारा इंफीरियर गुड्स। आइए अब नॉर्मल गुड्स को समझते हैं। देखिए नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, किसी भी कंज्यूमर का इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ता चला जाएगा, कंज्यूमर बाय मोर ऑफ गुड्स, मतलब कंज्यूमर अपने डिमांड को बढ़ाता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं एज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे बच्चों क्लोथ्स, बुक्स। अब आप सोचेंगे सर ऐसा है क्या, हम हमारा इनकम बढ़ने पर हम ज्यादा ड्रेस पहनने लगेंगे? नहीं बच्चों, वो सेंस नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाता है बच्चों, आप अच्छे क्वालिटी, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करने लगेंगे। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आप डिमांड जिस प्रोडक्ट का बढ़ाने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं, वैसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स। बच्चों रियलिटी में नॉर्मल गुड्स कोई गुड्स नहीं होता, ये एक कैरेक्टर होता है। चलिए अब इंफीरियर गुड्स के बारे में समझते हैं। सर इंफीरियर गुड्स क्या है, तो इंफीरियर गुड्स वैसा गुड्स है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम इंक्रीज होगा, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे। आई बात समझ में? डिक्रीज करते चले जाएंगे। तो इस तरह के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। चले जैसे आप देखो डायग्राम पे आपको समझाया गया है, इनकम इंक्रीज हो गया, डिमांड नॉर्मल गुड्स का क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस तो अभी भी सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। मान लो ना प्राइस अभी भी सेम है उस प्रोडक्ट का, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया। मान लो ये आपका जो DD है ये ओल्ड डिमांड है, और ये जो D1 है ये न्यू डिमांड है, तो डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट किया राइट की तरफ, डिमांड कर्व राइट की तरफ क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि डिमांड इंक्रीज कर गया। बच्चों डिमांड जब भी इंक्रीज करता है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ऐसा क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज कर गया? तो आपको आंसर ये है कि इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ गया, और जब डिमांड इंक्रीज करता है, डिमांड बढ़ता है, तो वो राइट शिफ्ट कर जाता है। सर क्या प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ? नहीं बच्चों, प्राइस तो अभी भी सेम है, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके हाँ, अब
आपके हम लोग समझते हैं इनफीरियर गुड्स को। क्या है इनफीरियर गुड्स? चले अब देखिए, जो इनफीरियर गुड्स है तो सर ये जो एक मिनट, सर ये इनफीरियर गुड्स के डायग्राम में डिमांड कर्व राइट की तरफ क्यों शिफ्ट किया है, सॉरी लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट किया है? देखिए बच्चों, मान लीजिए इनफीरियर गुड्स बाजरा रहा होगा। अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो डी है, मान लीजिए ये डीडी अपना ओल्ड डिमांड हो गया, तो प्राइस सेम था। जैसे एग्जांपल आप ले लो बाजरा, मान लो कि बाजरे का जो प्राइस था वो फाइव रुपीज था, तो कंज्यूमर 10 यूनिट ले रहे थे या 10 केजी प्रोडक्ट ले रहे थे। सर एक बात बताइए, प्राइस तो अभी भी सेम है, फिर डिमांड जो है लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट किया? ये न्यू डिमांड लेफ्ट की तरफ क्यों आ गया D1? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं बच्चों, जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, इनकम इंक्रीज कर जाता है, डिमांड क्या होता है? डिमांड डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि आप तो जानते हो कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है ना, इनकम के बढ़ने से डिमांड घटता है, और जब भी डिमांड घटेगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। कोई दिक्कत? तो सर हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, पहले आप इंफीरियर गुड्स बता देना। इंफीरियर गुड्स क्या है? तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स है जो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एज इनकम डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने एक फैक्टर को समझा, होप सो यहां तक बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे फैक्टर को समझते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या टेस्ट और प्रेफरेंस पर भी डिमांड डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। चलिए आइए इसको समझते हैं। पहले देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो होता क्या है बच्चों, जब भी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टेस्ट और प्रेफरेंस, किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी के फेवर में शिफ्ट कर जाएगा। एग्जाम्पल बच्चों कि कंज्यूमर्स का जो पसंद है, जो टेस्ट है, जो चॉइस है, जो प्रेफरेंस है, वो किसी कमोडिटी के फेवर में चला गया। जैसे कि एग्जाम्पल लो बच्चों, आजकल अपने इंडिया में क्रेज चल रहा है फास्ट फूड कंज्यूम करने का, है ना। फास्ट फूड की तरफ हम लोगों का ध्यान बहुत गया है, मैगी है, बर्गर है, पिज्जा है, चौमिन है। तो फास्ट फूड जो जंक फूड है बच्चों, उधर की तरफ हम लोगों का चॉइस बहुत शिफ्ट किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस कमोडिटी के फेवर में जाएगा बच्चों, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? और जब हम लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस कमोडिटी के अगेंस्ट जाने लगेगा, जैसे कि एग्जांपल लो बच्चों, आज का जो जनरेशन है उनको आप कहोगे अगर सुबह में गर्मी का दिन है, चलो सत्तू कंज्यूम कर लो, वो एकदम नाक ये कर लेते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं आज के जनरेशन के बच्चे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज उनको पसंद नहीं है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कमोडिटी है जिनके अगेंस्ट टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शिफ्ट करता जा रहा है, जैसे आज का जनरेशन जलेबी खाना पसंद नहीं करता, उसे अच्छा ही नहीं लगता। तो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस जब कमोडिटी के अगेंस्ट जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। शशांक तुम्हें भी जलेबी अच्छी नहीं लगती? लगती है, ठीक है। और सत्तू नहीं पीते? पीते हो, ठीक है। तुम बात रख रहे हो ना अभी।
चलो तो बच्चों, जब भी आपका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कमोडिटी के फेवर में जाएगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कमोडिटी के विपरीत चला जाएगा, अगेंस्ट चला जाएगा, डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। तो सर एक बात बताइए, क्या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिमांड क्या फंक्शन है? हाँ बच्चों, बिल्कुल वो फंक्शन, डिमांड का बढ़ना और डिमांड का घटना टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो जरा डायग्राम को समझना बच्चों, जरा डायग्राम को आप समझना। देखो यहां इस डायग्राम में क्या हो रहा है, दो चीजें आपको बताई गई हैं, एक बार डिमांड को इंक्रीज करते हुए, एक बार डिमांड को डिक्रीज करते हुए। जब टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कमोडिटी के फेवर में चला गया तो डिमांड इंक्रीज कर गया, डिमांड इंक्रीज किया बच्चों तो वो राइट शिफ्ट कर जाएगा, राइट की तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट। अच्छा, ये हमारा हाथ है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो जब डिमांड इधर जाएगा तो राइट, डिमांड इधर शिफ्ट करेगा तो लेफ्ट, तो राइट शिफ्ट कर जाता है डिमांड इंक्रीज के केस में। और जब हमारा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कमोडिटी के अगेंस्ट चला जाता है, किसी भी गुड्स के अगेंस्ट चला जाता है, विपरीत चला जाता है, तो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शिफ्ट कर जाता है किधर, लेफ्ट की तरफ, सॉरी डिमांड कर शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कमोडिटी के अगेंस्ट चला गया, मतलब अनफेवर हो गया। होप सो बात समझ में आया आपको। चलो तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो पॉज कर देखिए, जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसको एक बार रीड कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चले, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आ जाइए। तो सर एक बात बताइए, क्या फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्राइस पर भी डिपेंड करता है डिमांड? हाँ बच्चों, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो, मान लो आपको ये कहीं से पता चला कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूचर कहने का मतलब समझो, आप कल पर लीटर 5 रुपीज इंक्रीज कर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बात कहीं से पता चला या लीक हो गई कि कल पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस 5 रुपीज पर लीटर इनहांस होगा। बच्चों ये बात जैसे ही जनता के बीच फैलेगी, कंज्यूमर्स जब इस बात को सुनेंगे, जानेंगे, तो वो पैनिक होंगे। और पता है आपको वो क्या करेंगे? सभी कंज्यूमर ये सोचेंगे कि हमें हर दिन तो पेट्रोल की जरूरत है। हर एक ट्रक ड्राइवर सोचेगा, भाई मुझे तो हर दिन डीजल की जरूरत है, चलो आज फुल करा लेते हैं टंकी, हो सके तो 10-20 लीटर डीजल या पेट्रोल लेकर रख देते हैं। तो बच्चों ऐसे केस में डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सोचो प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, और पता चला कि प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में लोग डिमांड बढ़ा देंगे, कीमत कल बढ़ेगी और डिमांड आज बढ़ गया। तो बच्चों भविष्य में, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का असर प्रेजेंट में दिखता है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, समझिएगा। इसको बहुत सारे बुक में ये भी लिखा होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। जब ये हम अनुमान लगाते हैं बच्चों, ये अंदाजा लगा के चलते हैं, ये कहीं से भविष्यवाणी होती है कि कल को कीमत बढ़ने वाली है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि प्रेजेंट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो सर प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ आज, फिर आज डिमांड क्यों बढ़ा? ये वजह कल का है। अच्छा सर, अगर कहीं से हमें ये पता हो कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, तो प्रेजेंट में क्या असर होगा? प्रेजेंट में लोग डिमांड घटा देंगे। बच्चों आप सोचो ना, आपको कोई बता दे कि पेट्रोल का प्राइसेस कल डिक्रीज हो जाएगा 5 रुपीज पर लीटर, लोग आज क्यों पेट्रोल ज्यादा डलाएंगे? आज जितना ही पेट्रोल हम परचेस करेंगे, जितना से हमारा काम चल जाए, हमारा काम हो जाए, लॉजिकल सी बात है ना बच्चों।
तो ऑब्जर्व आपने कुछ किया कि फ्यूचर प्राइस के बीच, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस के बीच और प्रेजेंट डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी भविष्य में, या ये पता चलता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज होने लगता है। देखो बच्चों, इस डायग्राम को जरा समझो आप। सर, एक ही डायग्राम में आपने दोनों चीजों को समझाने का कोशिश किया है। बिल्कुल, जरा सोच कर देखो बच्चों। देखो, मान लो ये हमारा डिमांड है। कहीं से पता चला कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, हमारा करंट में डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो डिमांड जब इंक्रीज करेगा तो राइट में शिफ्ट कर गया, तुरंत डी से डी टू पर चला गया। आपको कहीं से यह बात पता चल जाए कि फ्यूचर में उस गुड्स का, या किसी खास गुड्स का, किसी कोई भी गुड्स जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत कम होने वाली, आप उसके डिमांड को घटा देंगे। तो डिमांड जब घटेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ। तो बच्चों, इंक्रीज होने से डिमांड राइट शिफ्ट करता है और डिक्रीज होने से डिमांड लेफ्ट शिफ्ट करता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चल, तो बच्चों ये वन बाय वन हमने आपको सारे फीचर्स समझा दिया डिमांड फंक्शन। देखिए, अच्छा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, वो बता देते हैं। देखिए, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केट में बच्चों, जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ते चले जाते हैं, कंज्यूमर इंक्रीज करते हैं बाजार में, तो कंज्यूमर के इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैंने ये कहा बच्चों कि प्राइस में चेंज आया? नहीं, प्राइस तो प्रोडक्ट का अभी भी सेम है। तो ऐसा क्या बदला? कंज्यूमर बदल गए। जब बाजार में कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो डिमांड भी प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। कंज्यूमर डिक्रीज कर जाते हैं, डिमांड डिक्रीज कर जाता है। होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो इतना नोट्स पहले आप कंप्लीट कीजिए बच्चों। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो चीज बता दूंगा।